आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्र संख्या यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे और उसका सूत्र जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यानी स्वतंत्र संख्या जो होती है वो होती क्या है। तो अगर बात करें स्वतंत्र संख्या की, तो इसका अर्थ है उन आवृत्तियों की संख्या से है जिनको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। यानी ये कैसी आवृत्ति संख्या होती है जिनको हम क्या करें स्वतंत्र रूप से लिख सकें, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी हम इनको पढ़ सकते हैं, जैसे कुल वर्गों की संख्या में से प्रतिबंधों की संख्या को कम करके स्वतंत्र संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसको देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो छः संख्याएँ हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी क्या है छः संख्याएँ हैं जिनका योग निश्चित दिया जाए, मतलब निश्चित दिया जा रहा है। यहाँ देखिए कौन कौन सी संख्याएँ हैं, हमने 27 ली, 13 लिया, 30 लिया, 9 लिया, 7 और 4, ठीक है। इनका जो योग आया हमारा 90, ठीक है, इनका जो योग आ रहा है वो हमारा क्या है 90। तो इसको ये देखेंगे कि इनकी जो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पाँचवीं संख्या, यानी 7 तक जितनी भी संख्याएँ हैं ये पाँचों संख्याएँ, इनमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पांचों संख्या हमने रख दी, अगर हमको आंसर 90 ही चाहिए, तो ये हमारी जो संख्या चौथी संख्या है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो पांचों संख्या है इन्हीं को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे, क्योंकि इन जो पाँचों संख्याएँ हैं, यानी ये जो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए ये जो शुरुआत की जो पाँच संख्याएँ हैं इनको हम बदल सकते हैं, स्वतंत्र हैं इनको चेंज करने में, क्योंकि हमको जो आंसर लेना है वो क्या लेना है 90। तो ये जो छठी संख्या है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर हमको 90 ले आना है तो वहाँ 4 होना कंपलसरी है। लेकिन इसके पहले इन पांचों संख्याओं में हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और आंसर 90 ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो स्वतंत्र संख्या है वो इन पाँचों संख्याओं को कहेंगे। यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये पाँच संख्याएँ होती हैं। आगे देखेंगे इनको और स्पष्ट तरीके से जानने के लिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ स्पष्ट है कि जो पांच संख्याओं को बदलकर चाहे कुछ भी रखा जा सकता है। यानी यहाँ जो पांच संख्याएं हैं इनके जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, परंतु अगर हम 90 को योग बनाए रखने के लिए जो बची संख्या यानी ये जो 4 है इन्हीं को क्या हो जाएगी, ये निर्धारित हो जाएगी। यानी इसको स्वतंत्र रूप से हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अतः ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, स्वतंत्र संख्याओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 5 होगी। यानी 27, 13, 30, 9 और 7, ये पांच संख्या क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, क्योंकि एक संख्या जो है अंतिम रहेगी जिसका मूल योग के बराबर रखने के लिए निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यानी ये इसमें जो है हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कि अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो छठी संख्या है इनके लिए हम स्वतंत्र नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए जैसे हमारी ये पांच संख्या है 27, 13, 30, 9, 7 और 4, ठीक है, ये जो पांच संख्याएं हैं हमारी इनको हमने देखा। इसी तरीके से छह संख्या हमको दे दी गई और इसका टोटल 90 आ गया। तो जो ये पांच संख्याएं होंगी उनको हम चेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं, इनके जगह पे कोई और भी वैल्यू रखकर हम 90 आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये लास्ट संख्या में चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट कि पांच संख्याओं को बदलकर चाहे कुछ भी रखा जा सकता है, परंतु 90 का योग बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बची संख्या जो है वो स्वतः ही निर्धारित हो जाएगी। यानी लास्ट की संख्या खुद ही निर्धारित हो जाएगी अगर हमको 90 आंसर चाहिए। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ सकते हैं। आगे देखें तो योग का प्रतिबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी ये जो योग है उसको हम एक तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं। और इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्र आंसर निर्धारित जो उनका फॉर्मूला होता है, एक तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन। यानी यहाँ जो छः है इसको ये देखिए, यानी ये जो हमारी संख्या कितनी थी, 6 थी, इसमें से एक माइनस किया, हमारी आंसर कितना आ गया, 5। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।